नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सैनिक न्यूज चैनल में। एमएसपी होगी 10,400, कोर्ट से आई ताजा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि इक्वल एमएसपी को लेकर लगातार हमारे जेसीओ जवान सरकार से मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर एक कोर्ट केस में एमएसपी को दुगुनी करने को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी खबर को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सेना में जेसीओ और ओआरएस लगातार एमएसपी को 5,200 से बढ़ाकर 10,400 रुपए करने की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर एमएसपी के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि क्या बड़ी सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से ये लेटेस्ट जानकारी शेयर की गई है। इन्होंने कहा है कि मिलिट्री सर्विस पे कोर्ट केस 12842/2018 एमएसपी के संदर्भ में कई असत्य अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब तो ये एरियल क्लेम करने के लिए एक फॉर्म भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट है। पूर्व सैनिक ऐसे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। आज ही संगठन की तरफ से सभी रैंकों को एक दर से एमएसपी देने के संदर्भ में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और सरकार की तरफ से इस संबंध में एफिडेविट जारी किया गया जो हमारे वकील को दो दिन पहले ही मिला था, जिस पर संगठन की तरफ से रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने अगली तारीख 6 अगस्त 2020 को मुकर्रर किया है। सरकार ने एफिडेविट में रीट के प्रत्येक बिंदु का जवाब देने के बजाय मामले को घुमाने का प्रयास किया और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले की आड़ लेकर जवाब देने से बचने का प्रयास किया गया, जो कि हमारे पक्ष में ही जाएगा क्योंकि सरकार के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। और इंडियन एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से कहा गया कि जिस केस का हवाला सरकार दे रही है उसका तोड़ हमारे पास है। संगठन ने कहा है कि यह बहुत ही बड़ा मुद्दा है क्योंकि इससे लाभान्वित होने वाले सभी सेवारत और सेवानिवृत्त जेसीओ और एनसीओ और ओआरएस एवं फैमिली पेंशनर धारक हैं। अतः पूरी ताकत से संगठन को लड़ाई लड़नी है और सभी से आग्रह है कि संगठन का सहयोग करें और संगठन के वेबसाइट पर जाकर संगठन की सदस्यता अवश्य ले लें। तो दोस्तों, इंडियन एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से ये दावा किया गया है कि हम एमएसपी की लड़ाई ज़रूर जीतेंगे और सभी इसमें अपना योगदान ज़रूर दें क्योंकि एमएसपी के ऊपर सरकार के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और ये लड़ाई हमें जीतनी ही है।